मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंच गए हैं, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज में कियोस्क संचालकों की अवैध वसूली भी शुरू हो गई है। महिलाएं अपने 1000 रुपए निकालने के लिए पहुंच रही है तो कियोस्क संचालक अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि 10 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,15,00,000 की राशि ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद प्रदेश की पात्र लाडली बहनों के खाते में 1000 की राशि पहुंच गई है, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज में महिलाओं के सामने पैसे निकालने की मुसीबत खड़ी हो गई है। महिलाएं अपने पैसे निकालने के लिए अगले दिन से ही बैंकों में पहुंच गई। वहां बताया गया कि ये खाता कियोस्क का है, लिहाजा आप कियोस्क पर ही जाएं। वहीं कियोस्क संचालकों ने पैसा निकालने के एवज में प्रत्येक महिलाओं से 10 रुपये चार्ज किया, जबकि अधिकांश महिलाओं को अवैध वसूली की जानकारी ही नहीं थी। खबर प्रकाश में आई तो प्रशासन भी हरकत में आया और नियमित कार्रवाई की बात कही है। 10 रुपये ले रहा है, रुपया ले रहा है, एक पैसे 10 रुपये लेते। 1000 रुपये में 10 रुपये लिए। मेरा नाम मुंदेल सिंह, हसनपुर। शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लाडली बहना योजना और अन्य योजनाएं जो है उनसे संबंधित अगर कोई कस्टमर, कोई हितग्राही अगर कियोस्क में जा रहा है तो उससे फीस कैसे ली जा रही है तो विधिक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो यद्यपि हमने आज कियोस्क संचालकों को सूचित भी किया है, एक मीटिंग भी रखी है और उनको हम निर्देशित करेंगे कि जो वैलिड फीस है उसके अलावा कुछ भी इनवैलिड पैसा वो लोग ना लें। अगर लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR भी करवाई जाएगी अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है किसी भी हितग्राही से, किसी भी कियोस्क सेंटर। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।